अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से? ठीक ठाक हो? मोहम्मद शाहिद बेग आपकी खिदमत में हाज़र है। आज मैं कोई एग्रीकल्चर वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज हमने ना एक फलाही काम करने का इरादा किया है कि हमारे गांव को रास्ता जा रहा है, ये कच्चा रास्ता है। तो ये देखें, यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो गया था लोगों का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यार इसको ना आज प्रिपेयर कर दें कि गुज़रने वाले जो लोग हैं ना उन्हें मसला जो है ना वो ना हो। तो इंशाल्लाह ज़रूर एग्रीकल्चर की भी वीडियो आपको दिखाएंगे। मेरा दोस्त है वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा गुजर, वो खुद अपने हाथ से इस ट्राली को ड्राइव कर रहा है। और ये देखें, ये रास्ता, ये प्रिपेयरिंग इसकी हो रही है आज, यानी कि यही हम काम करेंगे। अभी मैं आपकी मुलाकात उनसे भी करवाऊंगा कि हाँ वो ये उतर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? एहसान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी ये रास्ता यानी कि बनाउण दा मेरे दोस्त ही हो, मैं लोगों नूं ये दिखाउणा चाह रहा हां कि असी अज कोई ये फलाही काम करन दी इरादा कीता सी, ते मेन इन्हां दा ही आ कि इन्होंने मैनूं, मैं गुजर रहा सा, मैं देखा तो मैं क्या चलो ये मेरी भी शिरकत हो जाए, तो मैं इन्होंने मुलाकात ताड़ी अज करवाना वा। तुसी अपना नाम दसो सर लोगों। ग़ुलाम मुर्तज़ा गुजर, गांव ज्वाला सिंह वाला, चक नंबर 35, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना। ये हमारी सड़क हुई, जब से पाकिस्तान बना है हमारे बड़ों ने भी ऐसी देखी है, हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये पहले भी हमने जो है ना वो इसकी वो करवाई है, इसके ऊपर ना मट्टी डलवाई है भट्ठे से खुद परचेज करके। सही। और अभी बारिशें हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बने हुए थे खड्डे, तो हमने जो है ना इसको दोबारा फिर ये भट्ठे से केरी ली है, केरी परचेज करके दोबारा जो है ना वो खड्डों में जो है ना वो डलवा रहे हैं। चले, फलाह का काम है, अल्लाह ताला आपको इसकी ज़रूर जजा देगा। देखें ये लोग गुजर रहे हैं, तो लोगों को ये मसाइल का सामना है, तो ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं, तो आप इनके काम को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा कि ये फलाह का काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो आपकी ये मेहरबानी है कि आप ज़रूर ये हमारा मैसेज लोगों तक, बल्कि इंतज़ामिया जो पाकिस्तान की है वो देखें कि लोग अपनी मदद आपके तहत रस्तों को जो है ना वो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो लोग, उनका फ़र्ज़ है, वो इंतज़ामिया हैं, वो एग्जेक्टिव हैं वो पूरी कंट्री के, तो उनका फ़र्ज़ है ये। लेकिन ये है कि ये क्योंकि फलाह का काम कर रहे हैं सवाब की खातर के, लोग गुजरेंगे, लोग इनको दुआएं देंगे, बारिश होती है तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, तो दैट इज़ द केस के इन्होंने फलाह का इरादा किया, तो अल्लाह ताला इनके इस काम को इनको जजा देगा। और आप भी लोग दुआएं कीजिए करेंगे इनके लिए, तो ये कामयाबी इनको अल्लाह ताला और दे कि ये और फलाह के काम करते रहें। तो मैं आज, मेरी आज शिरकत है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी इनके साथ इस अमल में शामिल, मेरी अल्लाह ताला ने मेरी हाज़िरी यहाँ पे लगाई थी तो मैं पहुँच गया हूँ, वगरना जिसकी किस्मत में नहीं होता वो नहीं आता, तो मेरी किस्मत में था तो मैं आ गया हूँ। ये देखें, इनका भी बड़ा, ये खुद से सारी करके लाए हैं उधर से, देखें ये भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जजा ज़रूर देगा, ये इनकी मेहनत, असल में ये मज़दूर लोग, ये देखे, ये असल में कम लोग हैं जो इनको वो इज़्ज़त देते हैं कि ये यार असल में ये कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क है ये, तो खुद से इन्होंने ये उधर से फिल की है ट्राली पूरी, तो अभी ये मुख्तलिफ खड्डे हैं पूरे जो सड़क पे गांव को रास्ता जाता है, बारिशें हैं हुई हैं तो ये नहीं, अभी ये हो रही, इनसे लोगों का गुज़रना मुश्किल था, तो आप लोगों तक ये मैसेज हम इंटरनेट के ज़रिए इसलिए दे रहे हैं कि ये इंतज़ामिया देखे
और आके हमारे गांव की इस तरह जो मामलात हैं, बारिश में लोगों का गुजरना मुश्किल है, वो इंतज़ामिया देखे और इसकी प्रिपरेशन में हमारी मदद करे। तो मेरी जो एग्जेक्टिव है इंतज़ामिया, उनसे गुजारिश है कि आके हमारे इस एरिए को देखे। और यहाँ पे सड़क की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बारिशें होती रहती हैं, मौसम कभी ख़राब और कभी ठीक, तो उनको चाहिए क्योंकि वो इंतज़ामिया है, वो इस तरह के रास्ते बनाएँ तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये फलाह का काम किया, अल्लाह ताला इनको ज़रूर जजा देगा। ये मौलाना साहब आप देख रहे हैं कि वंडरफुल पर्सनैलिटी है, मेरे दोस्त हैं, मैं खुश हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं। तो आप देखिएगा, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारी इस वीडियो को वायरल करें, हमारे गाँव को इस रास्ते को वो असम्बलियों तक चला जाए कि यार बारिशें होती हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल है, तो इसको पक्की सड़क बनवा दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।